अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं मॉर्निंग से। और मैं लंच पैक करने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए, और उसके बाद में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं पहले लंच पैक कर देती हूँ और उसके बाद साथ में ही मैं दूध भी रख देती हूँ बॉयल करने के लिए। तो एक साइड पर मैंने दूध भी रख दिया था गर्म करने के लिए, और ब्रेड भी मैंने बटर लगाकर सेक लिए थे। और ये लंच मैं पैक कर रही हूँ, लंच हो गया है पैक। उसके बाद में हम करेंगे नाश्ता। तो दूध मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, उसको मैंने कर लिया है मक्स में। उसके बाद मैंने ब्रेड वगैरह सेक लिए थे बटर लगा के, और इतने में इसको रख के आ गई हूँ यहाँ पर। और ये मैं ब्रेड भी लेकर आ गई हूँ, और ये पीनट बटर के साथ हम खा रहे हैं दोनों। और मेरा बेटा जा चुका है कलाम पाक पढ़ने के लिए, और हम करने लगे थे नाश्ता। उसको भी मैंने नाश्ता करा के भेज दिया था। नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड हो गए थे साइट पर जाने के लिए रेडी। कल शाम मेरे हस्बैंड एक पॉट लेके आए थे मिट्टी वाला, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट बनाना था, स्कूल का प्रोजेक्ट था मेरे बेटे का, तो वो बनाना था। इस पर ड्राॅइंग बनानी थी, अच्छी सी पिक्चर वगैरह इस पर ड्रॉ करनी थी, तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कराना है शाम में। अभी फ़िलहाल शाम का, उसके बाद मैंने सीधा रूटीन आपके साथ शेयर किया है। मैं आटा गूंदने लगी हूँ सबसे पहले, तो मैंने आटे में पानी डाल लिया है, और उसके बाद मैंने नीचे रख लिया है। जैसे कि मैं नीचे ही रख के आटा गूंदती हूँ, तो आटा मेरा गूंद चुका है। और उसके बाद में मैंने ली थी कुछ सब्ज़ी, करेले और बैंगन, और भिंडी भी ली थी नीचे की साइड, इसमें भिंडी भी थी। और ये मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और एक बास्केट में करके रख दी थी, ताकि ये ड्राई हो जाए, और फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी, तो इसलिए मैं भिंडी को अलग निकालने लगी हूँ इस बास्केट से। पानी अच्छे से सूख गया है इन सारी सब्ज़ियों का, तो जो बाकी की सब्ज़ी बचती हैं, भिंडी मुझे अभी बनानी थी फ़िलहाल शाम में आज। और ये जो दो सब्जियां बचती हैं, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखें, बैंगन भी काफ़ी अच्छे फ्रेश थे, और करेले भी काफ़ी अच्छे थे, और भिंडियां भी फ्रेश थी, अच्छी थी, ताज़ी थी। तो कभी कभी सब्ज़ी अच्छी मिल जाती है। अभी मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मंडी से और भी ज़्यादा अच्छी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, वहाँ और भी ज़्यादा ताज़ा फ्रेश वेजिटेबल मिलती हैं। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था बाकी सब्जियों को, और भिंडी को करने लगी थी कट। मैंने इस तरह से भिंडी के पीसेस कट कर लिए थे, ज़्यादा बारीक मैं नहीं कट करती हूँ। और उसके बाद ये कट करने के बाद मैंने एक ऑनियन भी चॉप की थी, एक ऑनियन चॉप करके मैंने साइड में रख दी थी। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ये देखें अच्छे से तेल गरम हो गया है। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी कढ़ाई में, उसको अच्छे से मुझे ट्रांसपेरेंट करना था, मुझे ज़्यादा कलर उसका चेंज नहीं करना था। और ये मैंने एक साइड पर पापड़ और कुछ कचरियाँ वगैरह कुछ मैंने फ्राई की थी अपने लिए और अपने बेटे के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये मैंने एक साइड पर रख दी हैं। मैं कुकिंग कर रही थी, तो मैं इसमें टिश्यू पेपर लगाना भूल गई, वरना सारा इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है टिश्यू पेपर में। और ये सौंफ मैंने कुछ खाने के लिए निकाली हुई थी, और इसमें इतना सारा कूड़ा निकला था, जो कि खाने वाली चीज़ ये नहीं। और ये सौंफ डी मार्ट से मैंने नहीं ली थी, ये मैंने यहीं से मंगवाई थी शॉप से। और जैसे कि मैं खाती हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ें निकाली थी, फिर ये मुँह में आती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट लगती हैं, तो इसलिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था सौंफ को, और एक डब्बे में मैंने अच्छे से भर के रख लिया है। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं इसे डाल लेती हूँ मुँह में, और मुझे काफ़ी पसंद है सौंफ। और इसी को मैंने थोड़ा सा यखनी में डाल दिया है। मैं बनाने लगी हूँ चिकन की बिरयानी, चिकन बिरयानी मैं बनाने लगी हूँ। और चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है 2 से 3 बार, और मैंने उस पानी में, यखनी वाले पानी में इसे ऐड कर दिया है चिकन को थोड़ी देर के लिए। मुझे बॉईल लेना था उसमें, ज़्यादा मैं उसमें बॉईल नहीं लूँगी चिकन, वरना तो ज़्यादा गल जाता है और हड्डियाँ छोड़ देता है, इसलिए हल्का सा मैं उसे बॉईल करूँगी, ताकि उसमें एक अच्छी सी स्मेल आ जाए यखनी की। और एक तरफ पे मैं बनाने लगी हूँ टमाटर की चटनी बिरयानी के लिए। तो मैंने टमाटर, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, ज़ीरा
और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके एक साइड पर रख दिया है। और मैं मिर्चें कट करके रखने लगी हूँ बिरयानी के लिए, जो कि मैं इन्हें भर के और फ्राई करके अच्छे से और तब बिरयानी में ऐड करती हूँ हमेशा मोस्टली। और एक तरफ मैंने हरा धनिया चॉप करके रख दिया है थोड़ा सा, और ऑनियन मैं चॉप कर रही हूँ। एक ऑनियन मैंने कट की है, इस तरह से चॉप किया है मैंने रफली, ज़्यादा बारीक नहीं और ना ज़्यादा मोटा मैंने कट किया है इसको। और इस तरह से मेरा कटिंग वाला प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में मैंने सारे खड़े मसाले निकाल लिए हैं बाहर, जितने भी मसाले बिरयानी में लगेंगे तो वो मैंने बाहर निकाल कर रख लिए हैं। और ये मैं मिर्च भरने की तैयारी कर रही थी, मिर्च को मैंने एक प्लेट में फैला लिया था। उसके बाद में मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा रिफाइंड डाल के कोड कर दिया था मैंने हाथ से अच्छे से। और ये यखनी मेरी हो चुकी है रेडी, तो इसे मैंने एक साइड पर निकाल लिया था। और पानी भी इसका मैंने एक पैन में करके रख लिया है ताकि मैं बिरयानी में इसे यूज़ कर सकूं। और मैं बिरयानी बना रही हूं आज मस्टर्ड ऑयल में। मोस्टली लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं बिरयानी के लिए, बट मैं मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर लेती हूं अच्छे से उसको पकाने के बाद। अगर सरसों के तेल को अच्छे से पकाएं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैं प्याज फ्राई कर रही थी जो कि मैंने कट करके रखी थी, और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। ये मैंने निकाल लिया है इसको प्लेट में, क्योंकि इसको मुझे ऊपर गार्निशिंग के लिए डालना था। बिरयानी जब पक जाती है उसके ऊपर से मुझे ये डालना था, तो मैंने अभी सारा प्याज निकाल लिया है, थोड़ा बहुत मैंने इसी में छोड़ा था। और उसके बाद में मैंने खड़े मसाले सारे ऐड कर लिए हैं। बिरयानी मैंने आपके साथ पहले भी इससे पहले शेयर की थी, चिकन बिरयानी रेसिपी, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं चिकन बिरयानी रेसिपी, तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो अभी मेरा मसाला ऑलमोस्ट हो चुका था, खड़े मसाले मेरे हो गए थे, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ा सा डाल लिया था। उसको भी अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया था। चिकन को थोड़ी देर अच्छे से इसके साथ मसालों के साथ कोट करने के बाद मैंने जो पानी निकाला था यखनी का, वो सारा पानी सबसे पहले उसमें ऐड किया है बिरयानी में। और उसके बाद में मैंने जितना भी पानी थोड़ा बहुत और डाला था, मैंने जितनी नीड थी और पानी की, तो वो मैंने अलग से सिंपल पानी डाला था। उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे जो कि मैंने सोक करके रखे थे काफ़ी देर पहले। और उसके बाद मैंने सॉल्ट डाल दिया था, और टेस्ट करने के बाद मैंने कवर कर दिया था इसको, मीडियम फ्लेम पर रख के मैंने कुक किया था। अभी पहले मुझे बनानी थी मिर्चें फ्राई करनी थी, जो कि मुझे बिरयानी में यूज़ करनी थी, बिरयानी में डालनी थी। तो मैंने जो मस्टर्ड ऑयल गरम किया था उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, तो उसी में मैंने ये मिर्चें फ्राई की हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पे और इसको कुक कर लूँगी। भाप में ये अच्छे से पक जाएंगी मिर्चें। और एक साइड पर मैं बनाने लगी हूँ रायता, और उसके लिए मैंने छाछ ले ली है, उसमें मैंने डाल दिया है बूंदी। और उसके बाद में मैंने उसमें मसाले डाले हैं, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था, उसके बाद में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, उसके बाद थोड़ा सा मैंने हींग डाला था, और थोड़ा सा मैंने डाला था भुना कूटा जीरा, और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे मैंने इसमें। उसके बाद में मैं लगाने लगी थी इसमें जीरे का और हींग का तड़का। आपके पास करी पत्ता हो तो आप करी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है करी पत्ते का रायते में। मैं भूल गई हूँ करी पत्ता ऐड करना तड़के में, मेरे पास अवेलेबल था बट मैं भूल गई थी। और ये बिरयानी मेरी बनके हो गई है रेडी, और ऊपर से मैंने मिर्चें ऐड कर दी थी जो कि मैंने फ्राई की थी, और प्याज भी मैंने डाल दी थी ऊपर से, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाला था गार्निशिंग में। ये देखें कितनी टेस्टी मज़े की बिरयानी बन के रेडी हुई है। और आज मैंने कच्चे चावल की बिरयानी नहीं बनाई है, ये मैंने गैलेक्सी चावल लिया था जो कि पका चावल होता है, पक्का चावल, तो इसको मैंने अच्छे से सोक किया था पहले 2 घंटा, इसके बाद में मैंने बिरयानी बनाई थी इसकी। गैलेक्सी चावल बासमती चावल से मोटा होता है थोड़ा, और बासमती चावल थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गैलेक्सी चावल के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर गेस्ट वगैरह आते हैं इस चावल का मैं तब यूज़ करती हूँ, घर में हम बासमती राइस ही बनाते हैं, और काफ़ी लाइट उसे खा के फील होता है, ज़्यादा हैवी हैवी फील नहीं होता है उस
बासमती राइस को खाने के बाद। बट आज मैंने ये गैलेक्सी चावल ही बनाए थे और ये देखिए रायता भी काफ़ी टेस्टी बनकर रेडी हुआ था। अगर आज का मेरा आपको ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।